नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा और डीएन हरियाणा टीम पहुंची है जुलाना के प्राचीन सत्यनारायण मंदिर में। यहां पर भारत विकास परिषद शाखा जुलाना द्वारा तुलसी पौधे वितरण किए जा रहे हैं और तुलसी के जो पौधे वितरित किए जा रहे हैं एकादशी के उपलक्ष्य में यहां पर वितरित किए जा रहे हैं। यहाँ पर पौधा वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस पौधारोपण कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सतीश टाक व भारत विकास परिषद के सभी सदस्य इसमें शामिल हुए और भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा पौधारोपण वितरण का कार्य किया गया। देखिए, जो भारत विकास परिषद की महिला प्रमुख हैं अंतिमा भारद्वाज, उनके द्वारा पौधे वितरित किए जा रहे हैं। साथ में ज्ञान सिंह लाठर द्वारा भी पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ जो यहाँ पर पहुँचे हैं भारत विकास परिषद शाखा के सदस्य जुलाना के गुरदास जी, आनंद लाठर जी, सुरेश शर्मा जी, सुरेश वर्मा जी, बहुत सारे जो भारत विकास परिषद के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तुलसी पौधा वितरण किया जा रहा है। तुलसी के पौधों का वितरण किया जा रहा है, गमलों में पौधों को लगाकर वितरित किया जा रहा है भारत विकास परिषद शाखा जुलाना के सदस्यों द्वारा। आनंद लाठर हैं जो जेजेपी प्रेस प्रवक्ता है, उनके द्वारा भी पौधे वितरित किए गए। यहां पर आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। इसी तरह की जानकारी के लिए डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया सत्यनारायण मंदिर जुलाना से। ये देखिए तुलसी को, तुलसी के जो पौधे हैं उनको गमलों में सजा कर रखा गया है भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा और पूरे हवन यज्ञ उच्चारण के बाद पौधों को आज वितरित किया गया जुलाना के प्राचीन सत्यनारायण मंदिर के प्रांगण में। और पूरा जो यहाँ पर मौजूद थे सुरेश आनंद जी महाराज, उन्होंने तुलसी के पौधे के महत्व के बारे में भी आप सभी का स्वागत यज्ञ के प्रोग्राम में बताया। और ये सुनिए उनके पौधे का उसका महत्व को बताया जा रहा है। सब कुछ है, सत सत है, नमन करते हुए करबद्ध ये मैं प्रार्थना करूंगा कि आज विशेष दिन है, त्रिदोष निवारण दिन है। आज का जो दिन है गीता जयंती और जो है उसके ऊपर मोक्षदा एकादशी का दिन है। इस मंसर मास में मोक्षदा एकादशी के दिन यज्ञ हवन में कोई आहुति भी डालता है तो उसका 1,00,000 गुना अधिक फल होता है। ये शास्त्र लिखित बात है और आज विशेष दिन इसलिए चुना गया है भारत विकास परिषद के द्वारा कि आज तुलसी वितरण प्रकल्प है। आज इस मंसर मास में आज के दिन एकादशी के दिन जो तुलसी की सेवा करना चाहता है, तुलसी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और जिस घर में तुलसी का स्थान है वो घर तीर्थ के समान है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और तो सभी ने इस बात को समझते हुए आज के इस यज्ञ हवन में पूजन करके अपने अपने घर जाए तुलसी का पौधारोपण करना है जिससे हमारे तीनों गुण मान्य रहे और मानस पट पर हमें ये ध्यान रहे कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है तुलसी माता। तुलसी का एक नाम है वृंदा। तो वृंदा के रूप में इतनी शक्ति थी इसमें कि उन्होंने भगवान को भी एक उनका रूप बदल दिया था, उनको गोरे से काला बना दिया था, यूं कहिए एक पत्थर बना दिया था जिसको हम सालग्राम जी कहते हैं। वृंदा में इतनी शक्ति थी। तो तुलसी माता का विशेष महत्व इसलिए है कि हमारे अनेक प्रकार के जो रोग दोष त्रिदोष होते हैं शरीर में, उन सब दोषों को सही मायने में सही लेवल पे लाने में इसका विशेष स्थान है। एक तुलसी पत्र भी हर रोज लेने लेते हैं ना, तुलसी पत्र तो एक तुलसी पत्र भी अगर हम लेते हैं तो हमारे वात पित्त कफ दोष आदि दूर हो जाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और हमारे रामदेव जी या फिर वो तो 5-5 तुलसी के पत्ते या फिर 7-7 तुलसी के पत्ते खाने के लिए किसी न किसी उद्देश्य से कहते हैं, वो एक बहुत बढ़िया औषधीय विचार है। सो तुलसी पंचामृत में और औषधीय गुण उसका बढ़ाने के लिए तुलसी का पत्ता जब एक लेना बताया है तो ये मानिए तुलसी के घर में लगाने से तुलसी
या उसका एक या दो पत्ता हल हो जाते, प्रति खान से कितनी ज्ञान बुद्धि विद्या सब कुछ प्राप्त हो जाता है बच्चों को भी और हमें भी। सो आइए आज से ये संकल्प लें कि हर घर में तुलसी का स्थान होगा, घर घर में तुलसी का स्थान होगा, वहां पर देवता निवास करते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है कि हमारे बच्चे या हम जो है धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यताओं की तरफ जा रहे हैं। भाई आज के दिन बड़ा बड़ा दिन है जी, आज क्रिसमस डे है। अरे क्रिसमस डे तो ठीक से है, वो तो ठीक है, वो तो लिख रखा है जो भी है और है भी अंग्रेजी साहब में, लेकिन क्रिसमस डे के साथ साथ ये क्यों भूल जाते हो आज हमारा गीता जयंती है। आज हमारे जीवन का एक अहम एकादशी का दिन है। आज हमारे घर में जो है हम तुलसी का पौधा रोपण कर रहे हैं, सारे देवताओं का निवास हो गया है, ये हमने नहीं भूलना है। तो आइए आज से संकल्प में भारत का कृष्ण के स्वजन से इस तुलसी पर वितरण समारोह में अपने घर में एक एक तुलसी का पौधा जरूर लें। अगर रोज मांगा कर दी क्या करती हूँ, ये नहीं करती तन्नो दंति प्रचोदयात् स्वाहा। सभी ने स्वाहा ओम विनुताय धीमहि तन्नो 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 धीमहि त